हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज़ कुकिंग चैनल में आज हम चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी बनाएंगे। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फराज़ कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी बनाने के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। चिकन का कीमा 1/2 kg, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, 1/2 कप कटा हुआ धनिया, ग्रीन चिली या फिर आप अपनी पसंद के कोई सी भी चिली ले सकते हैं, 2 बड़े साइज़ की। इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1/2 टीस्पून, साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें 1 टीस्पून या फिर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, एक अदद अंडा चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून के लगभग हमें मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए होगा, 1 टीस्पून लेमन जूस। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हीट ऑन करने के बाद एक बर्तन के अंदर चिकन का कीमा डाल दें। आप इसकी जगह बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। इसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। 5 मिनट के बाद कीमे के अंदर जो पानी था वो भी ड्राई होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर प्याज डाल दें, प्याज डालने के 3 मिनट बाद इसके अंदर कटी हुई चिली डाल दें। लेमन जूस डाल दें। फ्लावर डाल दें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब मजीद इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हीट को ऑफ कर देंगे। इस स्टेज पर आप इसके अंदर चिली और साल्ट चेक कर लें और उसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। हीट को ऑफ कर दें। कटा हुआ धनिया डाल दें। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। पफ पैटी की जो डो है उसके साथ हम शीट तैयार कर लेते हैं। डो को तैयार करने के बाद इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ये काफ़ी ठंडा है। अब हम इसको बेल लेते हैं। डो को बेलने के बाद शीट की शक्ल में हमने इस तरह बना लेना है। अब इसको किसी कुकी कटर के साथ शेप दे लेंगे। इस बच जाने वाले आटे को हम दोबारा से इकट्ठा करके बेल लेंगे। अंडे को फेंट लें। फेंटने के बाद इस तरह इसके ऊपर लगा दें। अब इसके ऊपर तैयारशुदा जो फिलिंग है वो डाल देंगे।
इसको मिडल में रखें और साइड से इसको छोड़ दें इस तरह किनारों से। अब दूसरा एक और पीस लेकर इसके ऊपर रखते हैं इस तरह। आप कोई सा ढक्कन लेके उसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको प्रेस करें। अब इनको हम किसी बेकिंग ट्रे पर रखें अवन के अंदर 250 सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। इन पेस्ट्रीज के ऊपर एग को लगा दें इस तरह ब्रश की मदद से। अब इसको हम अवन के अंदर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब मजीद हम शीट तैयार कर लेंगे। अब मजीद हम दूसरी शेप में बना लेंगे। दूसरी शेप के बनाने के बाद उनके ऊपर एग लगा दें और इनको भी अवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करें। चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी तैयार है। इसको आप चटनियों के साथ या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फराह'स कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।